हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे एक न्यू और फ्रेश ब्लॉग में। जी हाँ, ये है गोवा और हम हैं अभी गोवा के कैपिटल पणजी में और पणजी से अभी हम जा रहे हैं मीरामार बीच जो कि काफी फेमस है। तो ये रहा, आप देख सकते हैं नीचे लिखा है पणजी और है मीरामार बीच। तो आप पणजी से डायरेक्ट बस लेके मीरामार बीच आ सकते हैं जो वहां से केवल 20 मिनट की डिस्टेंस पे है। और अभी हम लोग फाइनली मीरामार बीच पे उतर चुके हैं और ये रहा कुछ मीरामार बीच के जस्ट ऊपर का एरिया। काफी क्राउडिंग है, लोग काफी आते जाते हैं यहाँ पे रहने। यहाँ पे काफी फेमस बीच है और अभी हम आपको लेके चलते हैं और बोट पे भी लेके चलेंगे। बहुत सारा फन होगा, एंटरटेनमेंट होगा, तो लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। तो ये आप देख सकते हैं पूरा एक पाथ बना हुआ है बीच पे जाने के लिए और काफी लोग हैं एंजॉय करने के लिए। बहुत सारे लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं और प्लस यहाँ पे बेंचेज लगी हुई हैं रिलैक्स करने के लिए, बैठने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो और कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे आपको बोट राइडिंग करनी है या वाटर स्पोर्ट्स करनी है तो आप इसे पॉज करके देख सकते हैं क्या क्या रुपये क्या क्या इसमें है। और इसकी जो रुपीज़ है 350 रुपये आपको लगती है और आप उसको पॉज करके देख लीजिएगा। उसमें कुछ डेस्टिनेशन थे जहाँ पे काफ़ी मूवी शूट हुई है और वो लोग आपको बोट से दिखाएंगे वो सारी चीज़ें। तो ये रही हमारी फाइनली बोट आ गई। आपको बोट आधे घंटे पे मिल जाएगी, आधे आधे घंटे पे बोट आती रहती हैं और लगभग आपको अगर आपने टिकट ले लिया है 350 रुपये की आपकी टिकट एक मिलेगी। लगभग एक घंटे की पूरी बोट की राइडिंग होती है, उसमें आपको डॉल्फिन भी दिखाया जाएगा प्लस जितने भी नए नए मूवी शूट हुए हैं या पुराने मूवी शूट हुए हैं जिस जिस जगह पे वो सारे चीज़ें आपको वहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर होता है वो आपको माइक से अनाउंस करके बताता है। तो अब हम लोग फाइनली जा रहे हैं बोट पे चढ़ने। काफ़ी लोग चढ़ चुके हैं और ये सारे लोग भर चुके हैं, लगभग 50-60-70 लोग हैं और भी बहुत सारा फन होने वाला है। तो आप देख सकते हैं पूरा सा सीनरी काफ़ी अच्छा लग रहा है बोट पे। और ये बोट से जो मीरामार बीच है कुछ इस तरह आपको नज़र आता है। तो फाइनली हमारी जो बोट है स्टार्ट हो चुकी है और जो बोट वाले भाई साहब हैं एकदम अच्छी अच्छी ट्रेंडिंग सॉन्ग को बजाते हुए और जो राइडिंग है उसको और सुहावना बनाते हुए और सारे लोग एकदम मूड में आते हुए डांस करते हुए एंजॉय करते हुए इसलिए गए हैं तो एंजॉय तो करना बनता है। और सब लोग आप देख सकते हैं काफ़ी एंजॉय में हैं, काफ़ी एंजॉयमेंट कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं प्लस आई एम आल्सो देयर, सो आई एम आल्सो एंजॉइंग द मोमेंट। और आप देख सकते हैं काफ़ी बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है पूरा, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं लगती हैं प्लस जो ट्रेंडिंग सॉन्ग्स हैं वो सारे चीज़ों को और दोगुना तिगुना कर देती है। प्लस ये जो प्लेस है यहाँ पे आपको डॉल्फिन एरिया भी माना जाता है, यहाँ पे डॉल्फिन भी हम लोग को दिखी जो वीडियो में शायद ही आप देख सकते हैं अगर ज़्यादा ध्यान से देखें तो। ये जो एरिया है यहाँ पे डॉल्फिन थोड़ा थोड़ा ऊपर आके फिर अंदर जाते हैं तो हमने देखा उसे और बाकी लोग भी यहाँ पे उसको कैप्चरिंग करते हुए। तो दोस्तों सारे लोग डॉल्फिन के साथ अपनी एक यादगार वीडियो बनाते हुए प्लस सेल्फी लेते हुए तो सारे लोग बहुत एक्साइटमेंट थे डॉल्फिन को देखकर। वो बहुत सारे डॉल्फिन्स थे, ऊपर आ रहे थे और अंदर चले जा रहे थे, ऊपर आ रहे थे और अंदर चले जा रहे थे और मैंने भी एक छोटा सा उसी में वीडियो बना लिया। और अब आपको मिलेगा इंस्ट्रक्टर के द्वारा थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री। उसके नीचे देखो जो आपको बड़ा सा बंगला दिख रहा है, देखो सफेद और ऑरेंज कलर का, इसे जी पे पैलेस बोलते हैं। इस पैलेस के अंदर हसीना पहुंच जाएगी फिर खिचड़ी दिखाती है। सभी बोर्ड के सामने की तरफ देखो, राइट साइड में देखो पहाड़ के ऊपर जो आपको सफेद कलर का फोर्ट दिख रहा है, देखो ये अगुआ का फोर्ट है और इस फोर्ट के ऊपर बागी टू और सिंह डिस्प्ले फिर खिचड़ी दिखाई अक्षय कुमार। इसके नीचे देखो पानी के नाव पे जो आपको बड़ा सा घर दिख रहा है, देखो सफेद और ऑरेंज कलर का, ये गोवा का सेंट्रल जेल है। अभी फिलहाल बंद है, अभी इसे म्यूजियम बनाए और इस जेल के अंदर कयामत फिल्म की शूटिंग तो दोस्तों आपने सुन लिया किस किस मूवी की शूटिंग हुई है, कौन कौन से प्लेस पे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं रास्ते में, बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं क्योंकि हमने पूरा 1 आवर 1 घंटे स्पेंड किया बोट पे। तो सारे चीज़ को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, बस जो चीज़ें आपको बताने के लिए मुझे सही लगी मैंने वो सारे चीज़ें आपको दिखा दिया।
बस आप इतना जान लीजिए कि अगर आप गोवा जाते हैं या कोई भी सी कोस्ट पे जाते हैं जहाँ पे सी है, समुद्र है, तो जरूर बोट की राइडिंग करिए। आपको एक अलग सा ही फन मिलेगा, एक अलग सा ही रिलीफ मिलेगा बोट के बीचों बीच में, सी के बीचों बीच में बोट पर। अब हमारी बोट पूरी राउंडिंग करते हुए, पूरा चक्कर आगे तक लगाते हुए, अब हम लोग फिर रिटर्न हो चुके हैं अपने मीरामार बीच पे। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, बहुत अच्छा सा होटल नज़र आ रहा है, बट हम लोग वहाँ होटल पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग अब उतरने जा रहे हैं। अब हमारा बोट हमारा पास में सी कोस्ट के है, अब सब लोग एक एक करके नीचे उतरते जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग बनाने का एक ही मतलब है आपको सारे चीज़ों से रूबरू कराना, ताकि आप भी कभी जाएं तो उन चीज़ों को जानें, उन चीज़ों को सीखें, एंजॉय करना सीखें, और भी सारी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अब एक एक ब्लॉग करके बारी बारी से उतर रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर ये वीडियो शेयर करिएगा जो गोवा गए हैं या जो गोवा जाने वाले हैं या जो जिनका प्लान है फ्यूचर में गोवा जाने के लिए, क्योंकि बहुत मेहनत से एक वीडियो बनाना होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड करनी होती हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर लव। थैंक यू सो मच।